अल्लाम स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरामीम कौमी असम्बली में पेश की हैं जिन्हें अब क़ायमा कमेटी ने भी मंजूर कर लिया है क्या इन तरामीम से हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट के आठ अक्सरियती जजेज ने पी टी आई को कौमी और सूबाई असम्बलियों में खुतन और अकलीतों की मखसूस नशस्तों पर अहल करार दिया इलेक्शन एक्ट दो के सेक्शन छियासठ और एक में तरामीम की जो भी कानूनी तोजीहत हाँ पेश की जाएं, मगर सियासी तोजीह एक ही है कि पार्लियामेंट में पीटीआई की पार्टी पोजीशन को कमजोर रखा जाए कई कानूनी हलकों के मुताबिक ऐसी कानून साजी करके हुकूमत मुस्तबिल के चार चीफ जस्टिस साहिबान को नाराज़ करके एक बड़ी गलती कर रही है पार्लियामेंट के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मस्तरद करने की सलाहियत का इहसार इस बात पर है कि सुप्रीम कोर्ट आयन या आम कानून साजी की तशरी कर रही है आइनी तरमीम के लिए दो तिहाई जबकि आम कानून साजी के लिए सादा अक्सरियत की जरूरत होती है कई कानूनी हलकों के मुताबिकों के नौनी है के की ये भी है कि है कि दो तिहाई अक्सरियतल करके मगर तरामीम की जाए कुछ सीनियर वकला मौजूदा सूरत हाल का मुजन माजी के हालिया वाक से भी कर रहे हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में पीडीएम हुआ के पी और पंजाब असम्बलियों के आम इंत करवाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल किया उस वक्त भी रही ईसीपी और उनके हम ख्याल की नहीं कर रहे थे। इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशस्तों के मामले पर मुतफ नहीं चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने नून लीग की नजर स्थानी दरखास्त की समाज पर जोर दिया तहम कमेटी के ज्यादातर अरकान ने उनसे दूसरी तरफ इम्कान है कि ईसीपी की दरखास्त पर कोई वजाहत जारी करने के बजाय जजिस की अक्सरियत जल्द ही एक तफसीली फैसला जारी कर दे इलेक्शन एक्ट दो हज़ार सत्रह में मुजवजा तरामीम अगर पार्लियामेंट से मंजूर हो भी जाएँ तो उनका हतमी फैसला अदालत में ही होने का इम्कान है इसी पर गुफ्तू करेंगे कि आखिर हुकूमत चाह क्या रही है और जो कुछ कर रही है क्या दुरुस्त रास्ता ले रही है पैनल में हमारे साथ हैं इफ्तार अहमद अबसार आलम जैगम खान और आज नुसरत जावेद साहब भी प्रोग्राम का हिस्सा हैं हमें ज्वाइन कर रहे हैं सवाल रखेंगे आप सभी के लिए इलेक्शन एक्ट 2017 में तरामीम निशान मखसूस नशस्तें जमात पर पाबंदी नजर ानी दरख्वास्त और अब कानून साजी क्या पी टी आई को पार्लियामेंट में कमज़ोर करने की पाँचवीं कोशिश कामयाब हो पाएगी नुसरत जावेद साहब हुकूमत जो भी कोर्स ऑफ एक्शन ले रही है अब तक हक में जाता दिखाई नहीं देता पी टी आई के मामले में क्या इस कोशिश में कामयाब हो जाएगी देखिए जी अगर तो आप फौरी जवाब की तो रखते हैं तो मैं आपको ये कहूँगा कि मेरा ख्याल है कि मुश्किल है लेकिन वो मसला ये है कि जब दो इदारों में बरह रास्त तस्दम हो जाए तो फिर एक टनिक इस्तेमाल होती है जो कहते हैं कि ब्रीडिंग दी एनमी विद अ थाउजेंड कट्स यहाँ पे सवाल ये है कि अगर आप हज़ारों ज़म्म लगा के किसी को जख्मी करना चाह रहे हैं तो वो जख्म कौन खाएगा तो मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें बहुत दयादारी से मैं ये महसूस करता हूँ कि ये मुहावरा जो है मौजूदा हुकूमत में फिट आता है कि खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पर दोनों सूरतों में नुकसान खरबूजे का होना है मौजूदा हुकूमत जो है वो खरबूजे की तरह है और बदकस्मती से आठ फरवरी के इंतबात के फौरी बाद इसको पैंतालीस और सैतालीस फार्म की बहस में उलझा कर इसकी अखलाकियात जो है वह हैसियत को छीन दी गई दूसरी बात यह है कि है तो इनकी इतहादी ये जमात जो है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटों की विसाखियों पर खड़ी है अब ये जो विसाखियों पर खड़ी हुई हुकूमत होती है जिसमें पार शेयरिंग नहीं है और कोई आपके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है नहीं। तो आप ज़्यादा वलनरेबल हो जाते हैं तीसरी बात जैसे आपने खुद अपने इंट्रो में फरमाई है और वो ये है कि अगर वो इसी तरह डटे रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ और फ़र्ज करें उनकी इतहादी जमातें भी उनका साथ ही दिए रखती हैं तो इसके बाद आने वाले चार चीफ जस्टिस जो हैं उनके साथ मौजूदा हुकूमत के तल्ल अब इसमें हम ये फ़र्ज़ कर रहे हैं कि ये बदस्तूर जारी रहते हैं ये हुकूमत ये कायम रहती है तो उनके ताल्लुक जो है तो उनको खुशगवार तो नहीं रहेंगे तो जहाँ भी मौका मिलेगा वो कुछ ना कुछ करेंगे ये तो बात है सियासी लेकिन दूसरी तरफ आयन और कानून कादना तालबिल होते हुए एक सहाफ़ी होते हुए क्योंकि ये तो स्पेशलाइजेशन का दौर है मैं ये समझता हूँ कि यस सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल दो के बाद से बहुत सारे मामला में आइन को री राइट किया है और आइन को री राइट करने का लेकिन मौका किसने फराहम किया हमारे ही सियासतदान थे प्लीज बुरा ना मानिएगा जब totally ये काला कोट पहनकर hmm. अपने hmm. ही एक सियासतदान के खिलाफ चले जाते हैं sure. कि जी ये मेमोगेट लिख दिया और पाकिस्तान की सलामती खतरे में पड़ गई hmm. आप अट्ठारवीं तरमीम जो है उसको ढोल बजाकर पाकिस्तान के कहते हैं कि आपने आइन का महदब हदसे से जायजा लेकर जितनी खामियां थी आपने दूर कर दी बहुत महीने से और कंसेंसस से और बिलाखिर एक मौका आया कि पार्लिमान पार्लिमान जो है उसका अदलिया में बेतनाती और उन पर एक वॉच टॉक की हैसियत से भी कुछ किरदार होना चाहिए आपने तरमीम की एक तजवीज़ आई इफार चौधरी साहब जिसको आप ही लाहौर से निकल कर और जब गुजरावाला पहुँचे थे तो सलाम है उस आवामी तहरीक की बिना पर मनसब पर लौटे जज साहब को भी और सलाम करता हूँ दूसरा जमहूत के अजीम चैम्पियन नवाज शरीफ साहब को भी और उनसे भी बड़े चैम्पियन जनाब एतजद साहब को भी गुजर वाला से ये लोग वापस जाते हैं कि इन्हें टेलीफोन आता है उन दिनों के आर्मी चीफ का जनरल ज्ञानी का साहब लाहौर चले जाए अभी थोड़ी देर में ऐलान होने वाला है इफ्तार चौधरी साहब वापस आ रहे हैं तो क्यों इन्होंने अपनी तरमीम पर डट क्यों नहीं गए क्यों नहीं की अब वो एक शेर है जी के लम्हे खता करते हैं और सभी सदियां सभी। उसकी सजा पाती हैं सही हो गया जी हमने लम्हों में अपने छोटे छोटे मफादात की खातिर अदविया को इस्तेमाल किया और अब अदलिया रियासत का एक महज एक सतून नहीं रहा अब रियासत के सतूनों में बालादस्ती का जिक्र हो रहा है सही। और अदालत की बालादस्ती भी उतनी ही नाजायज बात है जितनी फर्ज करें कि पार्लिमान की, की, की बालादस्ती एग्जेक्टिव के सबसे ज्यादा बेताकतवर इदारे की, की बालादस्ती हो अब इस सूरत में यह है जी पिगी करना पड़ेगा इस हुकूमत को गालिबा आवाम की बजाय सियासतदानों की बजाय रियासत के सबसे बड़े ताकतवर इदारे के साथ मिलकर अदलिया को जरा थोड़ा सा ये कि देर लगाई जाएगी कि जो वो चाह रहे हैं वो, वो नहीं हो नहीं जाए है। है। इसके अलावा मुझे तो कुछ होता नज़र कुछ था होता नज़र नहीं आता अबसार साहब ये हुकूमत आखिर चाह क्या रही है क्या जो मकसद हासिल करना चाह रही है वो इस कोशिश में कामयाब हो जाएगा या और ऑप्शन भी रखी हुई है ऑप्शन तो हुत मुसल आपने जैसे नंबर डाउन किया है पाँच आपने काफ़ी मेहनत की आज सवाल तैयार करने पर और आपने काफ़ी गहरे गोते लगाए हैं ये सारे वो जो हुकूमत ने जितनी भी कोशिशें की हैं एक सियासी जमात को पीछे रखने के लिए लेकिन ये सियासत है तमाम सियासी जमातें ऐसे करती हैं और मुझे इस पर कोई इतराज़ नहीं है कि अगर ये मुल्क की वहादत को और सलामती को नुकसान ना पहुँचाएँ इनकी आपस की लड़ाई और वरना सियासत तो इसी का नाम है लेकिन आपका जो पूरा प्रोग्राम का इस वक्त जो डायरेक्शन है और आपने जो इंट्रो बोला है और उसके बाद जो बात हुई या सवाल हुआ है नुसर साहब से मुझसे तो आपने वो सवाल नहीं किया मेरा कंसर्न ज़्यादा वो वो वाली डायरेक्शन है जी। और मैं ये एनी डे ऑफ माई लाइफ मैं ये चाहता हूँ कि पार्लियामेंट सुप्रीम हो गलती भी करे तो पार्लियामेंट सुप्रीम हो सॉवरन हो हाँ। क्योंकि ये अवाम की मंतब नुमाइंदा होती है माजी में जो कुछ हमारी अदलिया इस मुल्क के साथ करती रहती है ये चार्ज शीट है ये बात कहना सिर्फ कि वो आने वाले चीफ जस्टिस ये कर देंगे और वो कर देंगे ये कोई अखाड़ा है ये आइन के तहत अदलिया चलती है और इन जजेस को आइन के तहत चलना चाहिए अगर करना है ना आने वाले चीफ जस्टिस ने तो काजी फाइजी साहब जैसा हौसला और किरदार लाएं और माजी में जो किया हुआ अदलिया ने इस मुल्क में और पार्लियामेंट के खिलाफ उस पर तोबा करें माफी मांगे कान पकड़ और तो खुद नहीं के और मामला जो पार्लियामेंट में जाता है नहीं समझ पाती भाई नहीं समझ पाती ना मैं आता हूं ना मुझे आने दें आप आप देखें आपने मेरे दिल के तार छेड़े अब आप मुझे इस पर बात पूरी कर लेने देना मैंने लिखा है पॉइंट आपका ये भी सियासतदान क्या करते हैं सियासतदान तो गलती कर रहे हैं हाँ। हम उनको क्रिटिसाइज भी करते हैं रोजाना

तो जजिस ने लगाई क्यों लगाई तो सोनी क्यों सोनी तो फैसला क्यों किया मैं खुद एक पिटीशन लेके गया इसी सुप्रीम कोर्ट में सहाफियों के हवाले से मुझे मैसेज मिला कि फला को साथ में लाओ और उसमें फला चीज वो लेके आएगा तो ये पिटिशन लगेगी सारे जिंदा है किरदार अच्छा। बुलाएं मुझे मैं साबित कर दूंगा तो ये जो मैसेजिंग जज सुन ले मेरी बात एक जज आइन की एक शिक्क की तारीफ आज तशरी और करता है कुछ महीनों बाद कहते हैं ओहो वो तो मैं कॉन्शियसली नहीं की थी अब मैंने कॉन्शियसली uh, मैं कर रहा हूं तो अब उसी आर्टिकल की तशरी यह दूसरी है सब मार्शल लॉ को इन्होंने तहफ्ज दिया उनको आईनी तरमीम का हक दिया चार या पांच लोग बैठ के पार्लियामेंट के मुंतर को घर भेज देते किस लिए ठीक है पूरी आवाम की तोह नहीं, नहीं होनी चाहिए पार्लियामेंट गलत करती है गलत करते हैं हमें उन्हें क्रिटिसाइज करना चाहिए हम करते हैं लेकिन हम जज को नहीं कर सकते अदालत में अंदर हो जाएंगे तो मैं तो नहीं ये हक दे सकता अपना मेरा नुमाइंदा है गलत है करप्ट है हम जाने हमारे नुमाइंदे जाने सरकार के मुलाजिम नहीं जानेंगे सरकार के मुलाजिम उनकी और हमारी किस्मत का फैसला नहीं करेंगे ये इस मुल्क

लेकिन सिर्फ एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि वही हमारे फायजीसा साहब जिनका जिक्र कर रहे हैं आपसार साहब और बड़ी जैन बातों पे उनको प्रेज कर रहे हैं कि उन्होंने माजी की कई गलतियों का एतराफ़ किया है उनका अजाला तो नहीं कर पाए आज कल आप बताइए कि उनकी जान को खतरे में डाला गया है क्या मौजूदा हुकूमत उनके साथ खड़ी हुँ। है हुँ। 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 वो शख्स जिसकी वजह से वो वायरल हुई सारी वो इस वक्त जो अक्सर की रायलिफ नजर आ रही है वो आठ जज दे चुके क्या हुत अकली बल पर या दम पर अक्सरियती फैसले को पलटने की सलाहियत और हौसला रखती है देखिए जावेद साहब ने मौजूदा को खरबूजा करार दिया जी बिल्कुल ये वो खरबूजा है जो खुद को छुरी समझता है और ये जा, जा उधर पड़ रहा है कि ये खुद को छुरी समझ रहा है अब आपने जो बात पूछी है जी। एक सुप्रीम कोर्ट अक्सरियत अकलियत कुछ नहीं होती सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है पाकिस्तान में ट्राइकाटमी ऑफ पावर है तीन हिस्सों में ताकत तकसीम है किसी एक हिस्से को अजारा हासिल नहीं है पाकिस्तान का आईन जो है वो मेजॉरिटेर को रोक है अदालतें इसलिए बैठी हैं कि इस है किस तरह के करतूत पाकिस्तान की पार्लियामेंट अपनी इस मशकूक अक्सरियत की बुनियाद पर ना करे जो इस वक्त वो करने लगी है मुझे बताई बात हुई मैंडेट की तोहहीन की इससे बड़ी मैंडेट की तोहन क्या हो सकती है कि एक अक्सरियती पार्टी का हक छीनने की कोशिश की जा रही है पूरे पार्लियामेंट के अंदर खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही, जा रही है जा रहा है रूल्स ऑफ जी बिल्कुल अख्तियार है लेकिन किस सूरत में कर रहे हैं और उस कानून साजी करके हाँ। उस फैसले को बदलने की कोशिश क्या ये कानूनी है या नहीं है मुझे मालूम नहीं है ठीक और मैं ये पूछूंगा कि आप ये बताइए इलेक्शन के, के कवानी जैसा मामला जो हमेशा मुतफि होना चाहिए क्योंकि गेम के मुतालिक है अगर इलेक्शन के कवानीन मुतफि नहीं होंगे तो फिर इलेक्शन को कौन मानेगा अब आप इसमें सत्रह इस ये पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने मिलकर बनाया था बिल्कुल पूरी कोशिश की गई थी कि तमाम सियासी जमाते इसमें शामिल हों आखिर उस वक्त भी तो बुलडोज किया जा सकता था ना कानून क्यों नहीं किया गया क्योंकि उस वक्त इस बात की अक थी तो पाकिस्तान को क्यों एक एक को मिलाने की कोशिश की थी इसलिए कि ये बहुत अहम था कि सब आन बोर्ड हो अब आप तौर पर उन तरामीम को तब्दील कर रहे हैं जिनसे आपके नंबर्स पे असर पड़ रहा है सही आप दूसरी पार्टियों का हक छीनने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह हो सकता है आप देखिए कायमा कमेटी में भी चार और छह की तकसीम थी ये बिल्कुल गलत बात है कि मेम्बरान को इंडिपेंडेंट रखने की जबरदस्ती कोशिश की जाए उन्हें क्या करना चाहती से करके मकसद क्या है हुकूमत जो है जा जा के छुरी पे पड़ रही है पाकिस्तान में दंगा अफसाद को तकसीम को मजीद बढ़ाने की कोशिश कर रही है अपनी मामूली मशकूक मेजॉरिटी की बुनियाद पर एक अथॉरिटेरियन सिस्टम जो है उसको इंस्टेट करने की कोशिश कर रही है अपोजिशन को रगड़ने की कोशिश कर रही है ये उन हालात में कर रही है जिस वक्त हमें यकजहती की जरूरत है जिन हालात में हमें इन चीजों को बदलने की जरूरत है जबकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हुँ. उनकी हकूमत जारी रहेगी कोई फर्क नहीं पड़ता है उनकी हकूमत को वो जारी रख सकते हैं लेकिन ये बहुत अफसोसनाक है कि उस तरह के कर्तव कर रहे हैं जो ये उन्नीस सौ नब्बे की दहाई में किया करता है एज सिटीजन आई कॉन्ट इट ठीक इफ्तार साहब पी टी आई को मतलूबा नशि मिल भी जाएं तो हुकूमती वजूद को कोई खतरा नहीं है इसके बावजूद पी टी आई को पार्लियामान में जो कमजोर करने की कोशिशें हैं मुख्तलिफ अगर हम देखें सामने सियासी इंतजामी कानूनी नजर आती हैं आपको क्या मकसद नजर आता है कि हुकूमत कामयाब हो जाएगी देखिए पहली बात है कि जिस किस्म की गुफ्तु आज हुई है मेरे लिए मा सवा ये बात कहने के कि मैं पार्लियामेंट के साथ हूं मैं और कुछ नहीं कहना चाहता पार्लियामेंट सुप्रीम है दुरुस्त और पार्लियामेंट की जो कमेटी है अगर वहाँ पे चार और छः का फैसला हुआ है तो मैं वो चार और छः के फैसले का एहतराम करता हूँ और अगर ये एक्ट मुश्तर तौर पर बनाया गया था तो मैं उस अमल का भी एहतराम करता हूँ और जो अमल अब हो रहा है मैं उसका भी एहतराम करता हूँ मैं उसको मानता हूँ ये बहुत फार्म 45, 47 की गुफ्तु की जाती है जी। उमर यूब को कहो कि क्यों स्टे के पीछे अब छुपने की कोशिश कर रहा है आप तो कहते थे हम गलियों और बाजारों में ये फार्म लेके आएंगे आपने लोगों को ज़हनी मरीज बना दिया है ये बातें कर करके जब वक्त आता है साबित करने का कर, कर तो आपका हाल ये होता है सही। पाकिस्तान के साथ मज़ीद खिलवाड़ मत करें और ये जो बातें की जा रही हैं कि पाकिस्तान में ये जो कुछ होगा पार्लियामेंट का अमल इससे पाकिस्तान के अंदर लाख कानूनीत जन्म देगी मुझे बहुत अफसोस हुआ ये ये सोच जानकर अगर पार्लियामेंट के फैसलों की बिना पर ला कानूनीत होती है तो फिर इस मुल्क का खुदा हाफिज साहब एक सवाल है आठ जजेस का अक्सरती फैसला अपने था अपने क्या बै, मामला पार्लियामेंट तय करेगी या पार्लियामेंट के फैसले से मामला आसान हो जाएंगे मुझे बात करने दीजिए अगर अठारहवीं तरमीम के बाद किसी को कोई शक को शुबा है सही। तो उसको फ्लोर ऑफ द हाउस पे या तय करें और अगर जजेस की तैनाती के मामले में जो अख्तियार पार्लियामेंट को मिला था और पार्लियामेंट ने वो अख्तियार खो दिया तो वो पार्लियामेंट की कमजोरी थी उस बात पे पार्लियामेंट को हम कहते हैं ज्याति की लेकिन वो फिर भी पार्लियामेंट का हक था आप पार्लियामेंट के उस हक को तो मानते हैं और उस हक़ की बिना पे इस मुल्क के अंदर पिछले कई सालों से जो खेल उन अदालतों के ज़रिए हो रहा है उस पर बात जब करें तो फिर आपको कहा जाता है कि आप तो ही ने अदालत कर रहे हैं पार्लियामेंट के मुंतखब लोग काबिल हैं कि वो फ़ैसला करें और आपका ये सवाल का हिस्सा कि पार्लियामेंट में क्या फ़र्क पड़ेगा पार्लियामेंट में फ़र्क नहीं पड़ेगा ये दबाव डाला जा रहा है पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के ऊपर कि हमारे की अगर हमारी बात न मानी गई तो हम निजाम को चलने नहीं देंगे एक दरख्वा के बाद दूसरी दरख्वास्त दूसरी दरखास्त के बाद तीसरी दरखास्त कभी लाहौर हाई कोर्ट में कभी हाई कोर्ट में कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये खेल कब तक चलता रहेगा मेरा रोजगार का मसला जेरे बे ही नहीं आने दे रहे मेरी गुर्बत के मामला में बाधे नहीं करने दे रहे सही हो गया मेरी बेरोजगारी का को जरे बेस आने का मौका तो तब मिलेगा जब ये खेल खत्म होगा जब मेरी पार्लियामेंट को सुप्रीम समझा जाएगा और मेरी पार्लियामेंट के फैसलों को सुप्रीम समझा जाएगा बिल्कुल हक है अदालतों को कि अगर वो समझें कि पार्लियामेंट के, के फैसले आइन से मतसादम हैं तो वो उसके ऊपर अपना फैसला दे सकते हैं और अपनी राय दे सकते ठीक हैं ठीक हो गया सही है। लेकिन ग्रुप बनाकर बिल्कुल गैर मुनासिब है ठीक है जी और याद है कि वो लोग मुलाजिम है पार्लियामेंट मुलाजम नहीं है तभी तो सवाल करते, करते हैं, हैं। बेरोजगारी गुर्बत पर भी बात कर लें, सिर्फ अपने मसाइल हल ना करते रहें, एक ब्रेक लेते हैं ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तानी पासपोर्ट कहाँ खड़ा है दुनिया में और पाकिस्तान के लिए क्या शर्मिंदगी बाहर जाने वाले लेकर आ रहे हैं दुनिया भर के शहरी रोजगार तालीम बिजनेस और सैर व सयाहत के लिए दूसरे मुमालिक में जाते हैं बैरून मुल्क मुकम शहरी न सिर्फ अपने मुल्क के सफीर होते हैं बल्कि खतीब ज़रे मुबादला भी कमाते हैं मगर अब कुछ लोगों की वजह से यहाँ भी मुल्क का मस्बत के बजाय मनफी तद खलीजी ममालिक बशमूल सऊदी अरब कुवैत, कतर और यू ए ने पाकिस्तानी तारकिन वतन और मजदूरों के तर्ज अमल पर शदीद तहफात का इजहार किया है सैनेट की कायमा कमेटी के अजलास में वजारत ओवरसीज के हु ने बताया कि यू ए में होने वाले कुल जराइम में से पचास फीसद जरायम में पाकिस्तानी मुलवस हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के तीन बड़े मसाइल हैं अखलाकियात गैर जिम्मेदाराना रवैये और बाद मुजरमाना सरगर्मियाँ सऊदी अरब ने मुतालबा किया है कि भिकारी बीमार लोग और गैर हुनरमंद अफरा को हमारे पास न भेजें ब्रीफिंग के दौरान सऊदी अरब की जानब से बानवे नर्सें डिग्रियां न होने के बायस वापस भिजवाए जाने का इंकशाफ हुआ हुकाम के मुताबिक ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुबई में बैठी खुवान के सामने टिक वीडियो बनाते हैं पाकिस्तानियों ने यू में होने वाली बारिशों पर भी अजीब तोजीहत पेश की पाकिस्तानी ब्लॉगर्स लोगों से गजा से मुतल सवाल करते हैं बैरून ममालिक हमारे शहरीों के ऐसे रवैयों और अखलाकियात से मायूस हो रहे हैं दुबई हुकाम हमसे कह रहे हैं कि 16 लाख का कोटा था लेकिन अब 18 लाख पर आ गए हैं कुछ लोग एक साल के मुहिदे पर मलेशिया गए और वहीं रुक गए और फिर जेल चले गए इराक में गायब होने वालों की दुरुस्त तादाद ही मालूम नहीं इसी तरह जापान और दीगर ममालिक में भी लोग जाकर गायब हो जाते हैं यूएई ने वहां बैठकर पाकिस्तान के इदारों या सियासतदानों के खिलाफ मन प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज कर दिया है इससे कबल एक इजलास में यह भी सामने आया था कि बैरून मुल्क गिरफ्तार होने वाले नब्बे फीसद भिकारी पाकिस्तानी हैं गुजशत डेढ़ साल के दौरान पी आई के दस सरकान कैनेडा की फ्लाइट्स पर जाने के बाद वापस नहीं आए ब्रीफिंग के मुताबिक बैरून मुल्क कैद पाकिस्तानियों की तादाद उनतीस हज़ार तक पहुंच गई है इन सब मनफी अवामिल के बावजूद सवाल यह पैदा होता है कि आखिर हर मनफी काम में ही हम सर फहरिस्त क्यों है मसला माशरती रवैयों और अखलाकियात का है या हुकाम का जो बाहर जाने वाले अफराद की दुरुस्त स्क्रूटनी ही नहीं करते यकीन सब ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऐसे नहीं करते मगर चंद लोग जो ये करते हैं वो इन सब के साथ साथ मुल्क की बदनामी का बायस भी बन रहे हैं क्या इन मामला को कंट्रोल करना मुमकिन है पैनल के लिए सवाल पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया के बदतरीन की फहरिस्त में उनतीस हजार पाकिस्तानी दुनिया की जेलों में कैद यू ए के पचास फीसद जराइम में पाकिस्तानी मुलव सब्ज पासपोर्ट की बदनामी का जिम्मेदार कौन हुकूमती इदारे एजेंट्स या चंद जराय पेशा पाकिस्तानी नुसरत साहब इस मामले का कोई हल है या इसको एज़ इट इज नॉर्मली ट्रीट किया जाए देखिए भाई बात यह है जान की अमान पाते हुए आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करूँगा कि मुझे अक्सर ये महसूस होता है कि मेरे भाई इफ्तार और अफसार के साथ बैठी हुई आप दुश्मनों में शाम गुजार रही होती है। <laughs> तो मेरी हर मुमकिन कोशिश होती है कि मैं आपके सवाल की कंस्ट्रक्शन पर एतराज़ न करूं <laughs> लेकिन मैं क्या करूं सोबत बद जो है ना की मुझे नौमरी से मुयसर है तो जरा एक लम्हे को इनकी राह पर चलने की इजाज़त दीजिए बहुत आ, यानि आपकी जरूर, आज मुझे भी थोड़ा सा <laughs> जाओ दिखाने दीजिए जी जी जरूर गलत सवाल जो है सवाल सही कंस्ट्रक्ट नहीं किया जी कही मसला ये है की इसी दुबई में जहाँ पे आप जिक्र कर रही है की पाकिस्तान की बदनामी हो रही है और भिकारी है ब पाकिस्तानी तीसरे या चौथे नंबर पर हैं जिन्होंने पाकिस्तान में टैक्स नहीं दिया और वहाँ उन्होंने कीमती जायदादें खरीद रही वाह वाह क्या वो हमारी बदनामी का बायस नहीं है वो अशराफिया जो है उसका हम जिक्र करने से कासिर हैं और फिर ये कह रहे होते हैं कि हाय अल्लाह ये जो भीख मांगने हैं और ये करते हैं और वो करते हैं देखिए हमारे रवैये जो हैं अब मैं असल बात जो है आपका पॉइंट अदरवाइज वैलिड है कि जाहिर है कि वो जायदादें जहाँ पे खरीदी गई हैं वो तो उनका फ़ायदा है वो क्यों उनका शिकवा करेंगे वो तो बल्कि कहेंगे कि मजीद आए इन लोगों से मसला है या आप दुरुस्त कहती हैं अब उसमें हमें बुनियादी तौर पर अपने माशरती रवैये पर तोह देना होगी मसला ये है कि एज़ पाकिस्तान तो हम नाइनटीन फोर्टी सेवन में एक मुल्क बने हैं लेकिन हमारी एक बहुत पुरानी तारीख़ है बीबी और उस तारीख़ के अंदर हम ज़्यादातर गैर हमला हमलावरों की सद में रहे हैं जिनको हम अभी तक हम यही समझते हैं कि जी वो मुसलमान हुक्मरान थे और वगैरह 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 मैं उस बहस पे नहीं उलझना चाहता अपने मिजाइनों के नाम भी उन पर रख देते हैं मसला बुनियादी तौर पर ये है कि हमारे डीएनए में ये बात शामिल है कि दिन रात फरंगी दा ते रात राज मलंगी दा ये महावरा भी हमारे यहाँ है कि माझे वर्देम ये पग न मार कछे ते डाकू कोई ना शहर कसूर दिया तो हम जरा ये सुल्तान राइज़म मदरशा और दो नंबरी और रंगबाज़ी ये हमारे मिजाज में शामिल है Hmm. अब उसमें एक बहुत बड़ा लेकिन फैक्टर ये भी है भैया hmm. कि पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है जी. वो सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं मैं अपनी तमाम कोताहीियों का एतराफ करते हुए मानता हूँ लेकिन पाकिस्तान का पासपोर्ट आप कभी तहकीक करें भिल्कुन. तो कितने फीसद अफगानी जो हैं वो एज पाकिस्तानी वहाँ पर हैं कितने फीसद पाकिस्तानी की बजाय बर्नीज जो है वो वहां पे हैं और क्योंकि आपने पासपोर्ट को मासी बेड़ा बनाया हुआ है कोई आए रिश्वत सतानी से सो इट ऑल स्टार्ट फ्रॉम पासपोर्ट कंट्रोल वी आर टू लैक्स अबाउट गिविंग अवे आर पासपोर्ट और इब्तदाई तौर पर मेरी ज़्यादा ये खुशी होती कि आप तोज्ज़ इस बात पर रखती कि अशराफिया जो माल लेकर वहाँ पर इमारतें खरीदती है उसका भी कोई अजाला है या नहीं इन विचारों की तो हम मजम्मत कर ही लेंगे ठीक हो गया जी इफ्तार साहब वसायल की कमी का रोना हमारे यहाँ रोया जाता है लोग नौकरियों के लिए ज़र मुबाद के लिए कमाई के लिए बाहर जाते हैं तरक्की याफ़्ता ममालिक में जाकर मुजरिम और भिकारी क्यों क्योंकि सिर्फ दो ममालिक में ही बीस हज़ार हैं यू ए और सऊदी अरब में बीस हज़ार हमारे लोग कैद के अंदर हैं इन्हीं मसाइल की वजह से जिनको आप रवैया कह लें या मिजाज कह लें जो बना हुआ है तो उनको वो काम नहीं करना चाहिए ना जिसकी इजाज़त वहाँ पे नहीं है उन्होंने उन मुल्कों को मासी का वेड़ा समझ लिया जिस तरह मेरे सीनियर ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया उनको उन कवानी का एहतराम करना चाहिए ना? पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क है यहाँ पे तो कानून का एहतराम करने वाले को कमजोर समझा जाता है वहां पे तो कमजोर ही समझा जाता है वो पकड़ के अंदर कर देते हैं और ये आपने तो कुछ ममालक का नाम लिया इसमें यूरोप आपने शामिल नहीं किया यूरोप में आपके इस रवैये के खिलाफ सख्त नफरत पाई जा रही है और उस नफरत की वजह हम उन लोगों की गलतियां हैं जो पाकिस्तानियों के नाम पर पाकिस्तानी बने हुए लोग वहां कर रहे हैं कह इन ममालिक में तो मान लेता हूं तो क्या उन में पाकिस्तानियों की खरबों रुपए की प्रॉपर्टी छपी नहीं होती अखबारों में वो हमारे कोई एक, एक दो दोस्त हैं वो तो प्रोग्राम ही इस बुनियाद पर करते हैं और बड़ा पॉजिटिव प्रोग्राम करते हैं मैं इस उनके प्रोग्रामों की जो तफसील अगर जज हजरात को कहीं सुनाई दे दे तो जज हजरत अपनी जो अख, करते हैं अख्तियार पता है नहीं वन एटी फोर थ्री के तहत उसका अख्तियार करते वक्त मेरे एक दो दोस्त जो हैं उनके प्रोग्रामों की तफसील मंगवा लें और फिर इंक्वायरी शुरू करें कि इनके पास पैसा कहां से आया था पाकिस्तान से बाहर जाके ये प्रॉपर्टी बनाने का सही हो गया लेकिन कोई जा रहा है या कुछ ले जा रहा है जा तो जो... इसी सरजमीन से रहा है ना तो फिर कौन जिम्मेदार है बिल्कुल और 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 ये बात बहुत इंपॉर्टेंट किए नुसरत ने ये जो अफवानियों को हमारे पासपोर्ट दिए गए हैं जो दूसरे ममालिक लोगों को पासपोर्ट दिए गए हैं क्या इसकी ये हमारी गुफ्तगू किसी जसब की कान से अगर गुजर जाए तो जस साहब मुझे भी बुला लें नुसरत को भी बुला लें हम बताएंगे कि कौन से ऐसे पासपोर्ट वाले बार हैं और फिर जिस अफसर ने वो पासपोर्ट जारी किया फिर उसकी प्रॉपर्टी का इंक्वायरी करें कि वो खरपति कैसे बन गया ठीक हो गया जी चले ये है काम करने वाले करने वाले काम तो आपने बताया एक ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद अब सार साहब और जैगम साहब की राय आपके सामने रखेंगे एक बार फिर से आपको बीस हजार के करीब पाकिस्तानी जो है, और तरक्की में बड़ा अहम रहा और उसकी आज तक दी जाती है मुजरिमों और धोखाबाजों में पाकिस्तानियों का शुमार होता है क्यों देखिए आपने बताया की बीस हजार जो है वो पाकिस्तानी सऊदी अरब और यू में है जेलों में और इनमें से बीस जेलों में अगर आप यू में देखें तो तकरीबन बीस लाख पाकिस्तानी काम करते हैं और सऊदी अरब में देखें तो तीस लाख पाकिस्तानी काम करते हैं और अगर इन बीस हजार का परसेंटेज बनाएं तो ये आधे फीसद से कम बनते हैं तो मतलब क्या हुआ कि पचास फीसद जराय पेशा अफराध पाकिस्तानी है लेकिन जो पाकिस्तानी वहां काम करते हैं उनका ये आधे फीसद से भी कम है तो सवाल ये है कि ये आधे फीसद से कम जो 50 लाख लोगों की रोजी को मुश्किल में डाले हुए हैं जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से ज्यादा बड़ी इनकम को मुश्किल में डाले हुए हैं आप देखिए इन मुल्कों से जो पाकिस्तान को पैसे मिलते हैं जो रेमिटेंसेस आती हैं वो पाकिस्तानी की इंपोर्ट से भी ज्यादा हैं। अगर रेमिटेंसिस कंप्रोमाइज हो जाए तो पाकिस्तान तो एक महीने में दिवालिया हो जाए इन लोगों की इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इन पचास लाख की और ये चंद हजार बदमाश जाय पेशा लोग इन पचास लाख मेहनती लोगों को और पच्चीस करोड़ पाकिस्तानियों को बड़ी मुश्किल में डाले हुए जेहन में रखिएगा कि पचास गुजशत पचास साल में अगर गरीब गुर्बत से निकला है तो वो पाकिस्तानी हुक्मरान की वजह से नहीं निकला है वो अरबी हुक्मरान की वजह से निकला है जिसने अपने मुल्क में आधे करोड़ लोगों को आकर मजदूरी करने की इजाजत दी है जो पैसे बचा कर लाता है या गुर्बत से निकलता है तो इसके लिए पाकिस्तान की हुकूमत वो क्या करती है इन चंद हजार को बाहर कैसे जाने दिया जाता है एफ आई ए क्या करती है मैं खुद देख मैं आपको दुबई के एयरपोर्ट पर मुझे एक बंदा मिला जो पांचवी दफा डिपोर्ट हो रहा था किसी मुल्क से और उसने कहा मुझे एयरपोर्ट पर वसूल करने वाले लोग आ जाएंगे और उनकी जिम्मेदारियां दफा फिर चढ़ाएंगे जब तक मैं टिक नहीं जाता, वो मुझे बार बार भेजते रहेंगे यदि एफ आई भी मिली हुई जराइम पेशा मिले हुए और उसने मुझे यह भी कहा कि तुम्हारे पासपोर्ट पे बर्तानिया का वीजा लगा हुआ है मुझे दस लाख का दे दो और मैं उसी पर आ जाऊंगा दोबारा

ये जो बाहर से यानी कि यहाँ तक मामला पहुंच गया कि हुकूमतें शिकवा कर रही हैं कि अपने ये लोग हमारे पास मत भेजो और ये वहां पे डिस्कशन हो रही है कि वो कह रहे हैं यहाँ से जहाज भर भर के भी कारी बैरून मुल्क जा रहे हैं कई इदारों के प्रोसेस से गुजरता है कोई भी आप भी अप्लाई करें मैं भी करूँ पहले कतारों में खड़े हों फिर आपका पासपोर्ट वीजा यह हर प्रोसेस होता है कितना बड़ा सवाल यह निशान है इदारों की कारदगी पर आपके जवाब देने से पहले क्योंकि इस वीक का आखिरी प्रोग्राम है ये थोड़ी सी लाइट गुफ्तु में इसलिए करना चाहता हूँ कि पहली दफ़ा मुझे हाँ। इनकशाफ लतीफ़ा नहीं लतीफ़ा तो नहीं है हाँ। हो हो सकता आपको लतीफ़ा लगे पहली दफ़ा इनकशाफ हुआ है कि इस मुल्क में कोई सहाफ़ी इफ्तार साहब से भी सीनियर है जिसको उन्होंने कहा है कि मेरे सीनियर वरना <laughs> तो हमने आज तक यही सुना कि इफ्तार साहब ही सबसे सीनियर हैं तो दूसरा नुसर साहब ने फरमाया कि सोबत बद तो चले वो तो लाहौर में इकट्ठे रहते रहे हैं मैं इस्लामा में बच गया हूँ लेकिन आ, आप पैनल में कुछ वो डालना चाह रहे मैं मैं इफ्तार साहब की बात ही कर रहा हूँ वही कह रहा हूँ ना आप दोनों लाहौर में इकट्ठे रहते रहे तो मैं तो बच गया कम से कम लेकिन थोड़ा बहुत असर मुझ पर शायद ये कैमरे के जरिए इलेक्ट्रॉनिकली इफार साहब भी कर रहे हो तो अगर हो गया तो मुझे माफ कर दीजिएगा तो दूसरा जब जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो चंद लोग आपने कहा कि ये हैं चंद लोग नहीं हैं ये काफ़ी सारे हैं किसी भी मुल्क की बेज़ती के लिए और ज़ाहिर है पच्चीस करोड़ में तो कम ही लगेंगे लेकिन पूरी दुनिया में जाके देखें तो बहुत हैं और इसमें आ, मेरा ये ख्याल है कि ये वही ब्रेन ड्रेन है जिसका हम जिक्र करते रहते हैं मास्फ है उन लोगों के जो बहुत मेहनत करते हैं और वाकई करते हैं आ, उनके पैसे से आ, उनके घर भी चलते हैं ये मुल्क भी चलता है उनकी मेहनत जो है वो नज़र आती है हमें गल्फ़ के ए, ममालिक में इसके बावजूद के वो बहुत बुरी कंडीशन में रहते हैं और उनके लिए ना हमारी हुकूमत कोई कुछ करती है ना कोई और कुछ करता है आवाज़ नहीं उठाता लेकिन ए, उनके उनकी आड़ ले कर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जो मेहनत करते हैं उनकी आड़ ले कर दूसरे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों जो फ्रॉडिए हैं जो आ, जो अजाइलम लेते हैं वहाँ किसी बहाने से जो जो बग़ैर डॉक्यूमेंट्स के घुस जाते हैं किसी मुल्क में ज़्यादातर क्राइम्स में वही लोग शामिल हैं यहाँ तक कि मुझ पर जो हमला हुआ था उसमें भी वही दो पाकिस्तानी शामिल हैं जो कानूनी तरीके से गए हुए हैं और वहाँ जा के फिर वो आ, पी टी आई के झंडा लगा के तो इस मुल्क में इनकलाब लाने की कोशिश करते हैं अपने मुल्क में तो वहाँ वो किसी पार्लियामेंट का मेंबर तो क्या करीब से भी नहीं गुजर सकते लेकिन सारी नेकियाँ सारी रहमतें सारे इनकलाब वो पाकिस्तानियों के लिए लाना चाहते हैं तो ये दो दो साइड्स हैं उन ओवरसीज़ पाकिस्तानी के एक जो मेहनत से कमाते हैं और यहाँ भेजते हैं दूसरे जो वहाँ जा के बीख मांगते हैं या लोगों की मेहनतें करते हैं ख़ैरात पर रहते हैं तो जब हमारा कल्चर ही खैराती हो गया लंगर खाना ज़्यादा अहम है यहाँ पर बजाय एक फैक्ट्री के तो फिर जाहिर है लोग बाहर जाके भी तो ही मांगेंगे ठीक हो गया कल्चर बदले आप चारों का बहुत शुक्रिया बदलने के लिए सबको अपनी अपनी कोशिश की जरूरत है आज के प्रोग्राम से इतना ही इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़